क्लास एट में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, ठीक है, रुपीज इतना, एंड 450 वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, रिपेयर के लिए 450 रुपीज स्पेंड किया। बात समझिए कि मैं आपको थिंक ट्राई दिस या थिंक डिस्कस जस्ट पहले का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी के ऊपर यदि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा चाहे ट्रांसपोर्टेशन पे करे, स्पेंड पे क्या रिपेयर में करे या किसी में भी करे, तो वो ओवरहेड चार्जेस कहलाता है। वो ओवरहेड चार्जेस को इस चार्ज के साथ प्लस करके कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है, वो ये दोनों का प्लस होता है, ठीक है। डायरेक्ट ये कॉस्ट प्राइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है 450 रुपीज इसने रिपेयर में खर्च किए थे। इफ इट इज सोल्ड फॉर द प्रॉफिट 15% का इसने प्रॉफिट लिया, ठीक है, जो भी वैल्यू था इसका 15% देख लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो 15% देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, 15,500 प्लस 450, मैं आपको बोला था ये ओवरहेड चार्जेस है, इसको प्लस करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट 15% है, ठीक है, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था कि परसेंटेज को देख के 15% है, यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 15% ऑफ किसका, तो ये 15,950 सीधा कर सकते हैं या 15/100 इनटू 15,950 हो जाएगा। वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट रुपीज हमको मिल जाएगा, परसेंटेज नहीं इस बार रुपीज मिल जाएगा। जो रुपी मिला प्रॉफिट का रुपी, उस रुपी को ये 15,950 में प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस सीधा सीधा आ जाएगा। आ गया समझ में। या दूसरा मेथड जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, 100 रुपीज़ चूँकि 15% प्रॉफिट है तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो सेल प्राइस कितना हुआ, 150। हमको निकालना क्या है, सेलिंग निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेल को राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। यदि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो 115 को इधर कर देते, 100 को ऐसा लिखते कि ऑन सेल प्राइस 115, कॉस्ट प्राइस 100, लेकिन हमको निकालना ये है इसलिए इसको राइट साइड में लिखे। तो 1 कॉस्ट प्राइस है तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 15,950 है तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये आ गया, ये सीधा सीधा सेलिंग प्राइस आपका आ गया, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसमें करने से क्या होता है, 15% 950 करने से क्या होता है हमको कि हमको एक वैल्यू मिलता है जो कि प्रॉफिट रुपीज बताता, वो प्रॉफिट रुपीज को फिर से प्लस करते तब सेलिंग प्राइस आता। तो कोई भी तरीका, कोई भी मेथड सही है, ठीक है।